हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आर चैप्टर नंबर 2. सो वी हैव टू रीड दिस फ्रॉम दिस सेकेंड पैराग्राफ. लेट अस मूव ऑन टूवर्ड्स इट. सो इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कॉमरेड मतलब साथी. तो ये वो साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष में थे, और इनसे मैंने क्या सीखा कि साहस का मतलब क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वेमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. टाइम एंड अगेन मतलब अक्सर मैंने ये देखा कि लोगों ने अपनी जान रिस्क में डाल दी है या अपनी जान दे दी है सिर्फ एक आइडिया को लेकर के. यहाँ पे वो आइडिया क्या है? फ्रीडम. तो फ्रीडम को लेकर के लोगों ने अपनी जान जो है वो रिस्क में डाल दी है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने देखा है कि लोग जो है वो अटैक सहते हैं, टॉर्चर सहते हैं बिना टूटे हुए. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. एक ऐसी क्षमता दिखाते हैं, इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता वो दिखाते हैं जो कि इमेजिनेशन से परे है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने ये सीखा कि साहस का मतलब डर का ख़त्म होना नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, लेकिन उसके ऊपर जीत हासिल करना है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. साहसी आदमी वो नहीं है जो डर महसूस ही नहीं करता, बल्कि वो है जिसको जो डर पे जीत हासिल कर लेता है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. कोई भी इंसान जो है वो उसका जन्म नहीं हुआ है कि वो दूसरे इंसान को हेट करे, उससे नफरत करे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका स्किन कलर, उसका बैकग्राउंड या उसका धर्म क्या है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. वो कह रहे हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, तो अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, बिकॉज प्यार करना ज़्यादा नेचुरल होता है नफरत करने से. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. ग्रिमेस्ट मतलब जो सबसे डार्क टाइम होता है, सबसे ख़राब टाइम होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं. तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो मेरा ग्रिमेस्ट टाइम था, सबसे ख़राब टाइम था प्रिजन में और मेरे साथियों का, जब हमें हमारी लिमिट्स तक पुश किया गया था. लिमिट्स मतलब जब आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म होने वाली होती है, उसको लिमिट्स कहा जा रहा है कि आपको कोई इतना टॉर्चर कर रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो. तो कह रहे हैं जब हमें हमारी लिमिट्स तक पुश किया गया था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. वो कह रहे हैं कि उस समय मैंने एक झलक देखी थी, ग्लिमर यानी झलक देखी थी मानवता की एक गार्ड के अंदर. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. वो कह रहे हैं कि शायद ये झलक जो थी, ये जो मानवता की झलक थी, वो कुछ सेकेंड के लिए थी, लेकिन इसने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. वो कह रहे हैं इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक लॉ की तरह होती है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लीगेशंस. आगे वो कहते हैं कि एक इंसान के जीवन में दो ड्यूटीज़ होती हैं, ट्विन ऑब्लीगेशंस. ऑब्लीगेशन मतलब ड्यूटी, यानी दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं. एक ऑब्लीगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार को लेकर के उसकी जो ऑब्लीगेशंस होती हैं, उसके माता पिता को लेकर के, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन, इनको लेकर के. और एक जो होती है उसके लोगों को लेकर के, यानी उसकी कम्युनिटी, उसकी कंट्री, इनको लेकर के उनकी ड्यूटी होती है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लीगेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़. तो कह रहे हैं हर तरह की जो सोसाइटी होती है, वहाँ पे इंसान इन दोनों ड्यूटीज़ को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमताओं के हिसाब से निभा लेता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लीगेशन. वो कहते हैं लेकिन मेरे लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए इन दोनों ड्यूटीज़ को पूरा करना जो था, वो एक साथ पूरा करना, वो बहुत मुश्किल था या असंभव था. इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा इंसान जो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, उससे या तो पनिश किया जाता है या उससे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अ पार्ट अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन.
वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने चाहता है तो निश्चित ही इनएविटेबली मतलब निश्चित ही उसे उसके परिवार से उसके घर से अलग कर दिया जाता है और उससे मजबूर किया जाता है कि वो अलग एक जीवन जिए। कैसा जीवन? जो कि सीक्रेसी में और रिबेलियसनेस में हो, यानी कि विद्रोह में बीते और गुमनामी में बीते। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वो कह रहे हैं शुरुआत में मैं ऐसा नहीं था कि मैं अपने देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखता था, बट इट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। वो कह रहे हैं पहले मेरे लिए फैमिली मेरी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि जैसे मैंने लोगों के लिए सेवा करनी शुरू की, मैं अपनी जो फैमिली की ड्यूटीज़ थी एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता और एक पति के रूप में, मैं उनसे उनको पूरा करने से वंचित रह गया। प्रिवेंटेड मतलब वंचित रह गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं कोई आज़ादी की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर उस तरीके से मैं आज़ाद था जैसे कि सब होते, जितना मैं जानता था मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मैं अपनी माँ के घर के आसपास जो फील्ड थी वहाँ पे घूम सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव से होकर के जो नदी जाती थी उसको उसमें तैरने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैग्स टू द स्लो मूविंग बुल्स। मिलीज का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे ग्रेन्स हैं। तो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद था कि मैं रात को तारों के नीचे बैठ करके किसी भी ग्रेन को रोस्ट करके खा सकूं, या मैं बुल राइड कर सकूं, स्लो मूविंग बुल के बैक पे मैं घूम सकूं। तो मैं हर उस इन चीज़ों के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। वो कह रहे हैं जब तक कि मैं अपने पिता को मानता था या मैं अपनी जो मेरी ट्राइब थी, ट्राइब मतलब जो मेरी जो मेरा मेरी कम्युनिटी थी, मैं जब तक उसके रूल्स को मानता था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड। तो जब तक मैं उसको मानता था तब तक मैं भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को या इंसानों के द्वारा बनाए गए नियमों से परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये अब उसके बाद से क्या था, जब मुझे पता चला कि बाहर क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरा जो बचपन का फ्रीडम था, ये जो आज़ादी थी, वो एक इल्यूजन था, मतलब दिखावा था, झांसा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, उस समय मैं मेरी भूख जो थी आज़ादी के लिए वो बढ़ गई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. शुरुआत में मैं एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में जब मैं एक छात्र था तो मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था। कैसी आज़ादी? जो कि ट्रांजिटरी थी। ट्रांजिटरी मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। एक टेम्परेरी फ्रीडम चाहता था, जैसे कि मैं रात में बाहर रह सकूं, मैं जो चाहूं वो मैं पढ़ सकूं और मैं जहां चाहूं वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। आगे वो कह रहे हैं कि जब मैं फिर जोहानसबर्ग में रहता था, एक एज अ यंग मैन मैं जब जोहानसबर्ग में रहता था तो मैं क्या चाहता था? यर्न मतलब क्या होता है? चाहता था अपनी बेसिक यानी और ऑनरेबल फ्रीडम, यानी कि मेरी जो बेसिक फ्रीडम थी कि मैं शादी करना, फैमिली उनकी फैमिली हो, वो जो चाहते हैं वो कर सके, वो अर्न कर सके जैसे उनका मन हो, तो वो ये सारी फ्रीडम चाहते थे। सो आगे नेक्स्ट पार्ट जो है, हम लोग लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।